अब खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां पर एनसीसी कैडेट्स ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। एनसीसी कैडेट्स का इस पर कहना है कि वो पिछले ढाई महीने से पुलिस के साथ में अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनकी अनदेखी फिलहाल कर रही है। ऐसे में उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कोरोना संक्रमण में ड्यूटी दे रहे एनसीसी कैडेट्स को राज्य स्तर पर स्थायी नियुक्ति और साथ ही में भरण पोषण राशि देने की भी मांग की है। सबको ज्ञापन इसलिए दिया कि जितने भी हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश के लिए सेवा की है। कोरोना के टाइम पे इस टाइम पे हर बंदे ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। तो हम चाहते हैं कि जैसे आर्मी के अंदर एक सेवा के देने के लिए उसको एनसीसी कैडेट को कभी भी रिटर्न नहीं देना पड़ता है, सीधी भर्ती होती है। हम चाहते हैं कि हमारे कैडेट को राजस्थान पुलिस में भी कोई ऐसी सुविधा दी जाए जिससे वह आगे जाके देश के लिए सेवा कर सकें, तथा जितने भी लोगों ने सेवा की है उनको कोरोना के टाइम पे अगर कुछ भी महामारी से या कैसे भी वो परेशान होते हैं, उनको कोई बीमारी होती है, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कोई राहत पैकेज हो ताकि उनको भी कुछ समझ